जीके को नहीं बनाना है बवाल तो करो डेली ये 10 सवाल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्पेशल श्योर शॉट जीके क्वेश्चन सीरीज फीट दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम। इसके अलावा एनटीपीसी एग्जाम, सीजीएल और यूपीएससी तक जो है आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चन हम लेते हैं इस सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2019। तो आपसे पूछ रहा है कि 2019 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज किसको दिया गया है। ठीक है, तो आंसर करने की कोशिश कीजिए। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा डेविड एटनबर्ग। इसका आंसर हो जाएगा जिसे 2019 का पीस प्राइज दिया गया है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज। ठीक है, तो आपको पता होगा हमारी फॉर्मर लेट जो है पीएम थी इंदिरा गांधी, ठीक है, उनके नाम पे दिया जाता है। तो ये आपका कब से दिया जा रहा है और कौन दे रहा है, तो इंदिरा गांधी आपकी फाउंडेशन है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। ठीक है, कौन देता है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। और कब से दिया जा रहा है ये दिया जा रहा है आपका 1986 से। अब 1986 में किसको दिया गया, ठीक है, तो 1986 में दिया गया था पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन। ठीक है, ये जो आपका अवार्ड है ये या तो एक इंडिविजुअल को दिया जाता है जैसे इस बार दिया गया है, या फिर उसके अलावा ये दिया जाता है किसी फाउंडेशन को। तो ये 1986 में किसे दिया गया था, पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन। उसके अलावा अभी 2019 का दिया गया है तो आपको 2018 का भी पता होना चाहिए, जो किसको दिया गया है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। किसको दिया गया है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट। ये था आपका क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर करने की कोशिश करो एक बार खुद से। क्या कह रहा है क्वेश्चन आपसे, विच स्टेट हैज लोएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया। यहां पे लिटरेसी रेट की बात हो रही है, ठीक है, लिटरेसी रेट की बात हो रही है तो ये आपका क्यों हो रही है, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हाल ही में इंटरनेशनल लिटरेसी डे सेलिब्रेट किया गया, जो कि हर साल किया जाता है, तो इस साल भी किया गया। और कब होता है ये, 8 सितंबर को होता है। ठीक है, तो 8 सितंबर को लिटरेसी, इंटरनेशनल लिटरेसी डे, और ये भी कब से मनाया जाता है आपका, 1986 से मनाया जा रहा है। तो इसी के उपलक्ष में जो आपका NSO है, नेशनल जो स्टैटिकल ऑफिस, ठीक है, या कह सकते हो जो उसका सर्वे हुआ है, उससे जो है डाटा आया है आपका, और इसमें क्या पता चला कि जो आपका लोएस्ट लिटरेसी रेट है वो किस स्टेट का है, आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है भाई, आंध्र प्रदेश का है, या आपका लगभग 66.4%। ठीक है, और आपका जो फर्स्ट नंबर पे है वो तो आपको पता ही है कभी से कि कौन है, केरला, जिसका 96.2%। ठीक है, 96.2%। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो है दिल्ली है विद 88.7%, और थर्ड पे आपका जो है वो कौन है, इसके बाद आपका देख लेना कौन है। ठीक है, फर्स्ट का पता होना चाहिए केरला, सेकंड पे दिल्ली, और लोवेस्ट कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि जो ओवरऑल इंडिया का क्या है, ठीक है, ओवरऑल भी पता होना चाहिए। तो ओवरऑल आपका 77.7% इंडिया का लिटरेसी रेट है। ठीक है, तो लिटरेसी रेट आपको पता होना चाहिए, नया जो डाटा आया उसके अकॉर्डिंग, और उसके अलावा इंटरनेशनल लिटरेसी डे जो कि 8 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। टू क्यों, क्योंकि आपकी इंफॉर्मेशन देने के लिए कि लिटरेसी की जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि जो एटा है, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन वाज फाउंडेड इन, ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन कब बनाई गई थी, कब फाउंड की गई थी, ये आपसे पूछ रहा है।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका थर्ड का, ये आपका 1920 मार्च 1920 के अंदर फाउंड की गई थी, एस्टेब्लिश की गई थी। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर दिल्ली के अंदर ही है, आपका है आर के खन्ना कॉम्प्लेक्स दिल्ली के अंदर, वहां पे इसका हेडक्वार्टर है। उसके अलावा इसके प्रेसिडेंट पता होना चाहिए आपको, किसके प्रेसिडेंट कौन है, ठीक है, महाजन, महाजन से आप याद रख सकते हैं कौन है, प्रवीण महाजन, प्रवीण महाजन, ठीक है। तो एटा कब बना था, मार्च 1920 ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है फर्स्ट पीसी मेहलनोबिस अवार्ड इज गिवन टू, ठीक है, पूछ रहा है फर्स्ट पीसी मेहलनोबिस अवार्ड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पीसी मेहलनोबिस, ठीक है, कौन है, ठीक है। पीसी मेहलनोबिस आपके इंडियन साइंटिस्ट और बहुत ही फेमस स्टैटिस्टिशियन थे, ठीक है, जिन्होंने, इनको जाना किस लिए जाता है, मेहलनोबिस डिस्टेंस की डिस्कवरी की थी। उसके अलावा जो आपका वो था फर्स्ट प्लानिंग कमीशन था इंडिया का, उसके भी ये मेंबर थे, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस जो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन था उसके भी ये मेंबर थे। उसके अलावा मेहलनोबिस डिस्टेंस, स्टैटिस्टिक्स, स्टेट्स वाले बच्चे जो है जानते होंगे, ये दिया गया था, इन्होंने ही दिया था, तो उनके नाम पे अवार्ड रखा गया है। तो ये किसको दिया गया है, तो ये फर्स्ट जो पीसी मेहलनोबिस अवार्ड दिया गया है किसको दिया गया है, चक्रवर्ती रंगराजन, चक्रवर्ती रंगराजन को दिया गया है। और ये जो है आपके फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर हैं जिनको ये दिया गया है। उसके अलावा आपका जो नेशनल स्टैटिकल कमीशन है उसके चेयरमैन का पता होना चाहिए आपको कौन है, बिमल कुमार रोए, चेयरमैन आपके किसके, एनएससी, नेशनल स्टैटिकल कमीशन, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आंसर करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री एक्सरसाइजेस इज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन, इंडिया एंड ब्रिटेन, या मैं कहूँ इंडिया एंड यूनाइटेड किंगडम यूके, तो इन दोनों के बीच में इनमें से कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखो अजय वारियर, इंदिरा नेवी, इंद्रधनुष, और फोर्थ में दिया गया है सेकंड एंड फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन आपका। तो यहाँ पे देखो अगर मैं आपको बताऊं तो जो अजय वारियर है और इंद्रधनुष है ये दोनों ही आपकी इंडिया और यूके के बीच में होती हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, अजय वारी और इंद्रधनुष दोनों आपकी होती है। उसके अलावा एक ऑप्शन बच गया आपका इंदिरा, ठीक है, तो ये जो इंदिरा है या इंदिरा नेवी है ये किसके बीच में होती है, इंडिया एंड रशिया, इंडिया और रशिया के बीच में आपकी होती है, तो ये आप देख लेना। उसके बाद 2020 के अंदर आपको पता है COVID-19 की वजह से सारी चीज़ें एक होल्ड पे आ गई हैं, रुक गई हैं, लेकिन आपसे पूछे कि 2020 में कौन सी, जो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, तो आपकी एक ही मिलिट्री एक्सरसाइज हो पाई थी, वो कौन सी थी, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, संप्रीति 9, ये आपकी इंडिया और बांग्लादेश के अंदर होती है, के बीच में होती है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति ये हुई थी आपकी 3 से 16 फरवरी 2020, क्योंकि आपको पता है इंडिया के अंदर जो है ये सिचुएशन जो, या लॉकडाउन की मैं बात करूँ तो ये मार्च में स्टार्ट हुआ था 22 के आसपास, ठीक है, तो ये होती है आपकी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में संप्रीति 9 सेशन हुआ था संप्रीति का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछ रहा आपसे विच इज द ड्राइस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड का ड्राइस्ट प्लेस कौन सा है, तो ये आपसे पूछ रहा है, तो यहां पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, एटाकामा डेजर्ट, एटाकामा डेजर्ट जो कि है आपका साउथ अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर एटाकामा डेजर्ट है, ये ड्राइस्ट प्लेस है अर्थ का, वर्ल्ड का। उसके बाद ड्राइस्ट सिटी की बात करूं मैं, ड्राइएस्ट
सिटी। तो ड्राइएस्ट सिटी आपकी कौन सी है? ये है एश्वान। एश्वान नाम की जगह है इजिप्ट के अंदर, इजिप्ट में है एश्वान नाम की जगह, वो क्या आपकी ड्राइएस्ट सिटी है वर्ल्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आपका हु वोन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020। तो आपको पता है बैडमिंटन के चार ग्रैंड स्लैम जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जैसे आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, तो चारों इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो आपसे पूछ रहा है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में वुमेन सिंगल्स का अवार्ड किसने जीता है? तो यहाँ पे किसने जीता है ये बताओ, सोफिया कैनिन। किसने जीता है भाई? सोफिया कैनिन, ठीक है। ये पता होना चाहिए आपको कि रनर अप, या तो आपसे पूछ ले कि इसके रनर अप कौन थे, ये भी आजकल पूछा जाता है, या आपसे ये पूछ लेगा कि सोफिया कैनिन ने किसको हरा के ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता है। तो आपको मतलब सेकंड प्लेस भी याद रखना होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गार्बिन मुगुरेजा, गार्बिन मुगुरेजा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, मुगुरुजा। तो इन्होंने इसको जो है, सोफिया कैनिन ने इसको हराया है और फिर जो ये खिताब जीता है। उसके बाद यहीं पे मैं मैन सिंगल्स की बात करूँ तो वुमेन सिंगल्स की बात हो गई, उसके बाद मैन सिंगल्स की बात करूँ तो किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने, ठीक है, नोवाक जोकोविच ने या जोकोविक ने जो है ये खिताब जीता है। और किसको जो है हरा के जीता है ये भी आपको पता होना चाहिए, मतलब इसका भी आपको रनर अप पता होना चाहिए। अब बात कर ही रहे हैं तो ये आपका डोमिनिक थियम को हराया। उसके बाद आपसे ऑस्ट्रेलियन ओपन के बारे में पूछ ले कि ये कब स्टार्ट हुआ था ऑस्ट्रेलियन ओपन, तो ये आपका स्टार्ट हुआ था 1905 के अंदर। कब एस्टेब्लिश किया था? 1905 के अंदर। आपसे पूछ ले मैक्सिमम मैन सिंगल्स का टाइटल, तो नोवाक जोकोविच ने ही जीता है 8 बार, ठीक है। तो ये आपको, उसके बाद ये पूछ ले आपसे कि किस पे खेला जाता है, तो अगर 1987 तक की बात करोगे तो ये ग्रास कोर्ट पे खेला जाता था, लेकिन 1988 से ये हार्ड कोर्ट पे, हार्ड सरफेस पे खेला जाने लगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कहाँ खेला जाता है ये आपको ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो मेलबोर्न पार्क के अंदर ये खेला जाता है हमेशा, 1988 से ही मेलबोर्न पार्क, जब से हार्ड सरफेस हुआ है तो मेलबोर्न पार्क के अंदर ये खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भवई इज द फोक डांस ऑफ। आपको पता है फोक डांस इंपॉर्टेंट है, आपने पढ़े भी होंगे अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो पूछ रहा है भवई कहां का फोक डांस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8th, भवई कहाँ का है भाई? गुजरात का फोक डांस है। गुजरात के कुछ और फोक डांस जैसे गरबा या फिर डांडिया रास, और आपका एक होता है तिपानी, ठीक है, क्या होता है भाई? तुपानी जूरियन, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि थोड़ा सा अजीब नाम है तो पूछ लेते हैं। तो आपको ये तो पता ही है गरबा डांडिया ये कहाँ के हैं? गुजरात के हैं, ठीक है, जो ये मूवीज वगैरह में दिखाते रहते हैं, तो ये आप सबको पता होता है। जो भवई है और टिपानी है इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ये कहाँ के हैं, तो ये भी कहाँ के हैं? गुजरात के फोक डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है भाई नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया पूछ रहा है आपसे, ठीक है, व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो ये तो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्या आपका इसका आंसर? रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। उसके बाद नेशनल एक्वाटिक एनिमल, ये भी पता होना चाहिए आपको, नेशनल एक्वाटिक एनिमल, तो वो कौन है? जो आपकी गंगा डॉल्फिन है या गैंगटिक डॉल्फिन है, ठीक है, जो सिर्फ गंगा में पाई जाती है। उसके अलावा इसका आपको साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए, क्या होता है भाई? पैंथरा टाइग्रिस। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि नेशनल फ्लावर, जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, ठीक है, छोटी क्लासेस में ये पढ़ाया जाता है, क्या है? लोटस। लेकिन आपसे यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि साइंटिफिक नेम बताओ लोटस का,
ठीक है। तो साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए, जो कि क्या होता है, नूसीफेरा, ठीक है, क्या होता है भाई, नूसीफेरा, बताओ, नुलंबो नूसीफेरा, ठीक है, क्या होता है आपका, नुलंबो नूसीफेरा, नुलंबो नूसीफेरा, नीलंबो नूसीफेरा, ठीक है, नीलंबो नूसीफेरा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखो आज का, आज के इस सेशन का आंसर करने की कोशिश करो, इजी क्वेश्चन है, पूछ रहा है कलकत्ता हाई कोर्ट द ओल्डेस्ट हाई कोर्ट इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। तो आपको पता है हाई कोर्ट इंडिया के अंदर जो ओल्डेस्ट है उनमें से एक है कलकत्ता हाई कोर्ट, तो पूछ रहा है आपसे ये कब एस्टेब्लिश किया गया था। तो लास्ट क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1862 के अंदर एस्टेब्लिश किया गया था आपका कलकत्ता हाई कोर्ट, साथ ही एक दो और हाई कोर्ट थे लेकिन ओल्डेस्ट कौन सा है, कलकत्ता हाई कोर्ट। तो उसके बाद एट प्रेजेंट बात करें तो टोटल हाई कोर्ट कितने हैं अभी, 24 थे, लेकिन जो आपका आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट था, मतलब हैदराबाद हाई कोर्ट था, उसमें से दो बना दिए गए हैं, एक आपका अमरावती, अमरावती हाई कोर्ट, और एक आपका बना दिया है उसी को हैदराबाद हाई कोर्ट। तो अमरावती आंध्र प्रदेश के लिए होगा और ये आपका तेलंगाना के लिए होगा, ठीक है, 2019 में बनाए गए थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चन, ऐसे ही आगे जो है सीरीज आती रहेंगी आपकी शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस की, ठीक है। तो इस सीरीज में मैं ये चाहता हूँ आपको कम से कम टाइम में, कम से कम क्वेश्चंस में ज़्यादा रिलेवेंट जो आपको क्वेश्चंस मिले और उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिले। जल्दी जो है आपको और भी बहुत सारे स्टैटिक जीके के पार्ट आने वाले हैं, स्टैटिक जीके जो कि इम्पोर्टेंट है, मतलब देखो क्या होता है कि करंट तो इम्पोर्टेंट है ही, वो तो आपको पढ़नी ही है, साथ में आपको जो पहले की स्टैटिक है वो उससे भी टच में रहना है, क्योंकि पता नहीं होता कब क्या पूछ ले, ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि आप मान लो ये चल के चलो सिर्फ करंट अफेयर पढ़ रहे हो, एकदम से स्टैटिक का कोई क्वेश्चन उठा दिया, और आपकी स्टैटिक अच्छी होगी तो आपको करंट में भी उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। जब आपसे कोई चीज़ न्यूज़ में आई होगी तो उससे रिलेटेड आपको क्या क्या पता है, तो आपकी जो है इससे जीके इम्प्रूव होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।